आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके नाखूनों में जो पैटर्न बनते हैं उनसे आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, और मेजरली हम 5 मिस्टीरियस साइन आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये पूरा टॉपिक सामुद्रिक शास्त्र का एक टॉपिक है। सामुद्रिक शास्त्र में हमारे फीचर्स, हमारे हाव भाव से हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है, हमारे सोचने के तरीके के बारे में बताया जाता है, उसी में नाखून का भी एक चैप्टर आता है। तो आज हम उसको कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके नाखून आपकी सेहत के बारे में भी बताते हैं, और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो हम यहाँ पर उस पॉइंट को भी कराएंगे, और ये चीज सामुद्रिक शास्त्र में लिखी हुई भी मिलती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आज का ये टॉपिक होने वाला है, छोटा सा वीडियो, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। अब बस अपने नाखून लेके वीडियो के सामने बैठ जाइए, मैं एक एक करके आपको 5 साइन के बारे में बताने जा रहा हूं। बात करते हैं साइन नंबर 1 की। अगर आपको नाखूनों में ऐसा दिखाई दे कि सीधी सीधी लाइनें बनी हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें बनी हुई हैं, तो ऐसे लोग फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को दोनों में बैलेंस बना के चलने वाले व्यक्ति होते हैं, और इनकी लाइफ की सबसे बड़ी क्रेविंग ही यही होती है कि मुझे इतना काम नहीं करना कि मैं अपने परिवार को समय ना दे पाऊँ, इतना परिवार को समय नहीं देना है कि मैं काम पर ना जा पाऊँ। तो इस पर एक सामंजस्य बैठाने की सबसे ज़्यादा इनकी क्रेविंग होती है। अपनी वर्क लाइफ में मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं, परिवार से प्यार भी प्राप्त करते हैं, लेकिन तब तक जब तक ये लंबी और सीधी लाइन नाखूनों में बिल्कुल हल्की और महीन दिख रही है। जब भी आपको लगेगा कि ना कि यार लाइफ में डिसबैलेंस है, काम बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं घर आकर भी काम के बारे में सोचता हूं, उस समय अपने नाखूनों पे नजर डालोगे, ये लाइनें एकदम या तो गायब हो जाएंगी या बिल्कुल ही धूमिल हो जाएंगी। तो यहां पे वो इशारा होता है कि अब डिसबैलेंस आ गया है, और जब आप बैलेंस क्रिएट करोगे तो लाइनें दोबारा से आपको दिखने लग जाएंगी। स्क्रीन पे आपने इसकी इमेज देखी ली होगी। ये आपकी हेल्थ के बारे में भी बताता है, खासतौर पर अगर ये उभरी हुई है और आप नाखूनों पे ऐसे कर रहे हैं और आपको 3D फील आ रहा है, तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि आपको पेट संबंधी समस्याएं अक्सर हो जाती हैं, गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आपको अक्सर पकड़ सकती हैं। तो पहले साइन का ये मतलब है। आप में से कितने लोगों के हाथों में या नाखूनों में ये साइन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे दूसरे साइन के बारे में। अगर किसी के नाखूनों में इस तरह का, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सफेद धब्बे बने हुए हैं और अलग अलग उंगलियों में बने हुए हैं, तो एक्चुअली इसमें हर एक उंगली का अलग अलग मतलब होता है इन सफेद धब्बों का। तो एक एक करके मैं सभी के बारे में बताता हूं। अभी आपके लेफ्ट हैंड, राइट हैंड किसी में भी हो सकता है, तो आप दोनों में भी देख सकते हैं, किसी एक में भी देख सकते हैं। अगर आपकी लिटिल फिंगर में है, तो ऐसे लोग अक्सर आपको सक्सेसफुल मिलेंगे, और कम उम्र में कमाना शुरू कर देने वाले लोग आपको मिलेंगे, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट इनकी लाइफ में आ जाता है। अगर यही सफेद धब्बा आपकी रिंग फिंगर में बन जाए, तो ऐसे लोग समाज या सरकार की तरफ से बड़ा सम्मान प्राप्त करते हैं, यश प्राप्त करते हैं, और पैसे से बड़ी इनके लिए इज्जत होती है, इनको चाहिए होती है गुड्डू पंडित की तरह फुल इज्जत। अब अगर आपके तीसरे यानी कि मिडिल फिंगर में इस तरह का सफेद धब्बा बना है, तो ऐसे लोग जीवन में कोई अनजान शख्स ऐसा जरूर लेकर आते हैं जो गुप्त रूप से इनसे बैर रखता है, यानी कि ये अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं, अपने तरीके से सारे काम कर रहे हैं, पर कुछ गुप्त लोग इनसे बहुत ज्यादा हेट करते हैं, इनको पसंद नहीं करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जब जब उनके पास पावर है तो इनका नुकसान पहुंचा दे। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर ये साइन आपके पास है, आप वैसे ऐसे लोगों को पहचान जाते हो बहुत जल्दी, इनसे दूरी बना के रखिए, इनके साथ अपने राज मत बनाइए, और ना म्यूचुअल फ्रेंडशिप में भी मत रहिए कि आपका दोस्त कोई और वो इसका दोस्त है, ये भी बातें लीक हो जाएंगी और आपको नुकसान हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपके इंडेक्स फिंगर में इस तरह का कोई सफेद धब्बा दिखाई देता है, तो ये संकेत है कि जीवन में जल्द ही किसी खास व्यक्ति का आगमन होने वाला है। ये आपको वेल विशर, अच्छा दोस्त, या फिर आपका जीवन साथी भी हो सकता है। इसके अलावा ये आपकी वर्क लाइफ में भी बड़ी सफलता के संकेत देता है। अब अगर आपके अंगूठे पर सफेद धब्बा है, तो इसका मतलब है कि आपको कोई मन चाहे वस्तु जल्दी ही मिलने वाली है, आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। और इसके अलावा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए अंगूठे पे सफेद धब्बा होना एक बहुत ही अच्छा साइन, एक अच्छी बिजनेस इंस्टिंक्ट को दिखाता है। ओवरऑल सभी ये सफेद धब्बे अच्छे होते हैं, स्क्रीन पे आप देख के समझ जाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना, क्योंकि ये पैटर्न है, किसी भी तरह से आपकी उंगली में बन सकता है, पर मोटा मोटा ये रिजल्ट आपको ऐसा ही देंगे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये धब्बे उम्र के साथ कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि आज नहीं है तो कल नहीं होगा। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपके पास ये हो। सामुद्रिक शास्त्र हो या फिर हस्तरेखा विज्ञान हो, दोनों में ही हस्तरेखाएं भी बदलती हैं और हमारे नाखूनों के पैटर्न भी बदलते हैं। अब बात करते हैं हमारे साइन नंबर 3 के बारे में। अगर किसी
के इस तरह का आधा चंद्रमा बना होता है तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है सामुद्रिक शास्त्र में। लेकिन ये अलग अलग उंगलियों के हिसाब से अलग अलग फल देता है, जैसे कि मैंने आपको साइन नंबर 2 में बताया था। एक बार ध्यान से अपने चंद्रमाओं को देख लीजिए, उनसे रोशनी आ रही होगी उसको महसूस कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपने चंद्रमा को देख लिया है तो अपने इंडेक्स फिंगर पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी इंडेक्स फिंगर में कोई चंद्रमा बना है तो फैमिली से रिस्पेक्ट, फैमिली के सपोर्ट से अच्छा काम मिल जाना, फैमिली के रेफरेंस से अच्छा आगे बढ़ना, उनका बहुत ज़्यादा रिसोर्स देना, आपको ऐसी चीज़ें आप देखने को देख सकते हो। और इनको अपनी उम्र के साथ नौकरी में प्रमोशन भी टाइमली मिलता है। अगर यही चंद्रमा आपके मिडिल फिंगर में है तो ये अचानक से पैसे मिल जाना, जब जब आपको ज़रूरत पड़ी है कि यार अब बहुत मेहनत कर ली है, ये चीज़ के लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए, पैसे चाहिए, मदद अपने आप रास्ता बनाती है और वो आप तक पहुंच जाती है। ऐसा आपके साथ बार बार होता है। सो ये साइन मिडिल फिंगर पर होना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइन है, ये अचीवमेंट का साइन माना जाता है, आपकी रेपुटेशन समाज में बनी रहती है। यही चांद अगर आपके लिटिल फिंगर में बना हो तो ऐसे लोगों को बिजनेस करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसे बुध की उंगली कहा जाता है। और इसमें चांद कहता है कि आप बिना चांद की तरह चमकोगे, आप किसी भी व्यापार में हाथ डालो। और ऐसे लोग वाणी के भी बड़े अच्छे धनी होते हैं, दे स्पीक वेरी पोलाइटली और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करने वाले लोग होते हैं। और देखिए, आज से 5-10 साल में ना उन्हीं लोगों का डंका बजने वाला है जो लोग वाणी के धनी होने वाले हैं, जिनको पब्लिक रिलेशंस बनाने आते हैं, नेटवर्किंग करने आती है, क्योंकि लोगों के पास स्किल्स टैलेंट तो समय के साथ बढ़ जाएगा, पर ये चीज़ें ना इंसान अपने दम पे सीखता है और इन चीज़ों से लोगों के दिल भी जीतता है। तो ये बात है। अब अगर आपका कोई आधा चांद आपकी रिंग फिंगर में बना हुआ है तो ऐसे लोग लव लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा झुके होते हैं, प्रेम की तरफ बहुत भागते हैं, प्रेम जीवन जीना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, और इस तरह से इनके जीवन में प्यार की कमी होती भी नहीं, इनको ऐसे लोग मिलते भी हैं जो कि इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करें। तो ये उंगलियों में ऐसे संकेत हैं। अब अगर आपके अंगूठे में भी हल्का सा एक आधा सा चांद बना हुआ नज़र आता है तो समझ जाइए आप उन्हीं व्यक्तियों में से जो दिल खोल के लोगों की मदद करते हैं और हेल्प करने के मामले में आप कभी पीछे नहीं हटते, और आपको ये लगता है ये तो मेरा काम है यार, ये तो मतलब करना ही है, आपको इसमें कुछ ऐसा स्पेशल भी नहीं लगता कि मैंने किसी की मदद कर दी, आओ मेरी तारीफ करो। यू जेन्युइनली हेल्प अदर, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी, और इसके चक्कर में आप लोगों के बड़े फेवरेट भी बन जाते हैं। तो अब होगा क्या, आप में से कई लोग कहेंगे कि मेरे तो अंगूठे में भी है और चारों उंगलियों में भी है ये चांद बना हुआ। तो मैंने जितनी बातें कही ना, आपके नेचर में कहीं ना कहीं वो सारी बातें फिट हो रही होंगी। और कितनी बातों से आपने रिलेट किया और आपकी कितनी उंगलियों पे चांद बना हुआ, 10 में से कितनी उंगलियों में चांद बना हुआ है, वो आप कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइन नंबर 4 के बारे में, शेप एंड साइज। सबसे पहले साइज की बात करते हैं। अगर आपके नाखूनों की लंबाई उसकी चौड़ाई से कम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, या फिर उसके बराबर है, तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे लोग उग्र देखे गए हैं, इन गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से इनके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नाखूनों का आकार उंगली से पहले पोर का आधा होना चाहिए, ये बड़ा ही शुभ और उत्तम माना गया। इसका आइडिया आपको इमेज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे लग जाएगा। वहीं अगर जिनके नाखूनों में कोई भी धब्बा ना हो, चिकने हो, उनमें शाइनिंग हो, तो ऐसे व्यक्ति एक समय के बाद धनवान ज़रूर बनते हैं और लाइफ को सिस्टमैटिक तरीके से जीने वाले बनते हैं। इसके अलावा अगर नाखून मांस से अधिक धसे हुए हैं और गोल हों तो अच्छी आर्थिक स्थिति का भी संकेत देते हैं। ऐसे व्यक्ति 2 गुना ज्यादा तेजी से उन्नति करता है और करता ही रहता है। अब मैं बात करता हूं लास्ट साइन की, नाखूनों के कलर के बारे में। यदि किसी के नाखून गुलाबी रंग के हों तो ऐसे लोगों को लाइफ में तरक्की मिलती है, ठीक ठाक लाइफ चलती है, एक मीडियम नॉर्मल लाइफ आराम से जीते हैं थ्रू आउट द लाइफ। इनके बहुत ज़्यादा अप्स बहुत ज़्यादा डाउन लाइफ में देखने को नहीं मिले हैं, और यूजुअली इनकी हेल्थ भी अच्छी ही रहती है। और ये किसी भी रिलेशनशिप में हो उसमें अपने आप को ढालने वाला व्यक्तित्व बना ही ले जाते हैं। गुलाबी रंग सबसे अच्छा माना गया है, नॉर्मल कई लोगों का ऐसा रंग होता भी है, लेकिन अगर आपका पीला रंग है नाखूनों में तो ये बीमारी का संकेत है। आपको पानी से होने वाली बीमारियां जल्दी पकड़ेंगी और ठंडी के महीनों में आप बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज से गुजर भी सकते हैं। और अगर आपके नाखून काले धब्बों से भरे हुए हैं या फिर उसमें किसी में 2-3 नाखूनों में काले धब्बे हैं तो ये भाग्य का नाशक माना जाता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत लाइफ में संघर्ष करने के बाद तब जाके कुछ छोटी मोटी सक्सेस प्राप्त कर पाते हैं। और अगर आपके नाखून पूरी तरह से सफेद हैं तो ऐसे लोगों का माइंड बहुत तेज होता है, इनमें डिसीजन लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा देखी गई है। ऐसे लोग अगर एक बार किसी चीज को करने का ठान लेते हैं तो उसे करके ही दम लेते हैं। सफेद नाखून वाले लोगों में धैर्यता भी देखी गई है, ये बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। मोटा मोटा यही कलर देखे गए नाखूनों के अंदर। अब आप में से इनमें कौन सा
सा रंग है, कैसा शेप है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है कि हमने कुछ छोड़ गए हो तो हम उसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है और नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि आप अपनी ही हथेली से कैसे देख सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा रिच क्लास में जाने वाले हैं या फिर लाइफ एक मिडिल क्लास में ही रह जाएगी। अगर आप उस वीडियो को चाहते हैं जल्द से जल्द, तो उस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टारगेट रखते हैं 15,600 लाइक का। जिस दिन वो लाइक पूरे हो जाएंगे आपके पास आ जाएगी हमारी पामिस्ट्री की एक और शानदार वीडियो। और अगर आप अपनी हथेली की रेखाओं से राजयोग के बारे में समझना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। वो वीडियो बहुत ही ज्यादा लोगों ने रिलेट करी है, उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। यहाँ पर कहीं भी वीडियो के एंड में आपको उसका बैनर भी दिख जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।